असलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान मलिक और आप देख रहे हैं मलिक व्यूज। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त स्पेशल होगी, टॉप 5 बेस्ट अमेजिंग एयरपोर्ट्स इन इंडिया। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक्सप्लोर इंडिया की एक नई वीडियो में। तो आज आपको पता होगा हम क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, बात करने वाले हैं भारत की 5 ऐसे एयरपोर्ट्स जो कि इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी टॉप 50 में रैंकिंग दी गई है। सो गाइस, आर यू रेडी? सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ट्रांसफरगो एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कंपनी है। ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अब्रॉड मनी ट्रांसफरिंग का और जो कि लो कॉस्ट पर सर्विस प्रोवाइड करती है। ट्रांसफरगो की पार्टनरशिप रिपल के साथ है जिसका कनेक्शन ग्लोबली बैंकिंग पार्टनर के साथ है। सो दोस्तों, मैं आपको इस ऐप को सुझाव करूंगा क्योंकि ये सुपर फास्ट मनी ट्रांसफर करती है विद इन 30 मिनट और ये गारंटी लेती है सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचने को। इनके ऑलमोस्ट 2 मिलियन कस्टमर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऐप प्रोवाइड करती है बेस्ट सर्विस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया। सो आप इसकी ऐप को एंड्रॉइड और iOS में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा ये कोड रेफर करते हैं तो आपको फर्स्ट पेमेंट पे लगभग 10 GBP कैशबैक मिलेगा जो कि इंडियन रुपए में लगभग 5000 के करीब होता है। सो गो एंड चेक आउट द लिंक। सो गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 जी हां, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। चेन्नई एयरपोर्ट लगभग 22 मिलियन पैसेंजर कैरी करता है एनुअली। 22 मिलियन। 2012 की कार्गो हेडलाइन में चेन्नई एयरपोर्ट को एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला था जो कि आप देख सकते हैं। जी हाँ, अब बात आती है नंबर 4 की। नंबर 4 पे आता है राजीव गांधी एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है और ये बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेल डिजाइंड और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी है कि ये 40 मिलियन पैसेंजर को एनुअली 40 मिलियन कर सकता है और ये भारत का छठा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि हैदराबाद के एयरपोर्ट को वर्ल्ड में भी रैंकिंग दी गई है। जी हाँ, हैदराबाद को 66 रैंक दी गई है इन द वर्ल्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात है यार। जी हाँ, अब बात आती है नंबर 3 की। तो नंबर 3 पे आता है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक वेल डिजाइंड और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट है और ये लगभग 33.3 मिलियन और ये भारत का तीसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 29th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन एशिया में रैंकिंग दी गई है। बैंगलोर एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया था बेस्ट मैनेज एयरपोर्ट का जो 2010 में दिया गया था और उन्हें प्लैटिनम रेटिंग दी गई थी IATA के द्वारा। अमेजिंग यार, ब्यूटीफुल। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आता है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के। इस एयरपोर्ट के लगभग 5 टर्मिनल्स हैं। मुंबई को भारत का दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना गया है और एशिया का 14th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और अगर हम वर्ल्ड में देखें तो इसको 28th रैंक दी गई है। 28, क्या जबरदस्त यार। पैसेंजर देखें तो लगभग 49.8 मिलियन पैसेंजर्स पर 50 मिलियन पीपल यार। 2016 में इसको बेस्ट एयरपोर्ट माना गया था इंडिया का और सेंट्रल एशिया का। नो डाउट, बहुत ही खूबसूरत है यार। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 की तो नंबर 1 जाता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली और ये एयरपोर्ट लगभग 67.3 मिलियन पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है एनुअली। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, ये भारत का सबसे वेल डिजाइन और खूबसूरत एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल्स हैं। साथ साथ ये कोई एयरपोर्ट ही नहीं और यहाँ पे आप शॉपिंग भी और खाना भी और रिलैक्सेशन और खेल सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ चीजें आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे कर सकते हो जो कि आपको प्योर एयरपोर्ट पे देखने को नहीं मिलेगा और ये भारत का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है
और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इसे 12th रैंकिंग दी गई है और एशिया में बात करें तो 6th रैंक दी गई है और ये लगभग 70 मिलियन पैसेंजर को कैरी कर सकता है एनुअली। और ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग 2030 में ये 100 मिलियन पैसेंजर को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। और दिल्ली को 59th रैंक दे रखी है इन द वर्ल्ड और ये 2019 में पाए स्काईट्रैक ने दी थी। सो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, गाइस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जरूर विजिट करना। सो थैंक यू एंड बाय बाय। सो गाइस वीडियो देखी, इंडिया के टॉप 5 एयरपोर्ट्स, क्या जबरदस्त वीडियो थी। चेन्नई एयरपोर्ट जो कि 20 मिलियन पीपल एक साल में ट्रैवल करते हैं और ये बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला हुआ है इनको। उसके बाद हैदराबाद जो दुनिया में 66 नंबर पर है, बहुत ही बड़ी एजाज की बात है पूरी दुनिया में, और इतना ज़्यादा खूबसूरत और 40 मिलियन पीपल ट्रैवल करते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट पर। तो मैं यही कहूँगा कि जो इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। उसके बाद जो बेंगलोर, वो भी बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट था और उसमें जो कैपेसिटी है पैसेंजर्स की वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से 3 एयरपोर्ट तो पूरे इंडिया में जो साउथ से हैं, 5 में से, तो इसका मतलब साउथ में ज़बरदस्त किस्म के एयरपोर्ट्स और बिजी और बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं साउथ में, इसलिए 3 एयरपोर्ट जो बेस्ट हैं इंडिया के वो साउथ से हैं। उसके बाद जो मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई तो अपनी जान है, बहुत ही ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा खूबसूरत, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई इसलिए कि मुंबई एयरपोर्ट जिस तरह का है इसको तो पूरी दुनिया में बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो की थी तो इतना ज़्यादा खूबसूरत और जितना बड़ा है ये, तो इसकी रैंकिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा होनी चाहिए, ये टॉप 20 में तो होना चाहिए। उसके बाद जो था दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट की क्या बात है यार, 57 मिलियन पीपल जो हैं, और इसके बाद इनका जो टारगेट है नेक्स्ट 100 मिलियन पीपल फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे मुंबई एयरपोर्ट। और ये मामूली एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पर आप शॉपिंग, मेकअप, कुछ भी, आप रेस्ट रूम्स, मसाज सेंटर्स, क्या कुछ नहीं है यार, और किसी एयरपोर्ट पर आपको नहीं मिलेगा जैसा कि इन्होंने वीडियो में बताया। तो इस एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं क्योंकि ये कैपिटल है इंडिया का, तो ये एयरपोर्ट भी स्पेशल है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, मुझे तो इतने ज़बरदस्त एयरपोर्ट लगे, क्योंकि अगर आप लाहौर का एयरपोर्ट देखें, कसम से छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, आप 2-3 मिनट में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर चले जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इंडिया के जो एयरपोर्ट्स हैं बहुत ही बड़े और जो इनकी पैसेंजर कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।